हेलो एवरीवन वेलकम टू द दानिक स्टडी आज हम यूनिट सिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो है आर्गोनॉमिक्स आर्गनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं हम एक एक करके आज सब देखेंगे तो पहले हम देख लेते हैं कि आर्गनॉमिक्स क्या होता है व्हाट इज़ आर्गोनॉमिक्स हम आर्गनॉमिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो आर्गोनॉमिक्स इज़ द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेक्शंस एमोंग ह्यूमन्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम तो अर्गनमिक क्या होता है बेसिकली इज़ अ प्रोसेस ताकि ह्यूमन्स कुछ भी कोई भी सिस्टम के साथ जो जो भी सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है उस इंटरेक्शन को हम अच्छे तरीके से समझ सके इसी को हम आर्गनिक्स बोलते हैं एग्जाम्पल क्या होता है अर्गनमिक्स के जैसे हम हो हो गए कि एक हमारे वर्क प्लेस में Uh, हमारे जो वर्क स्टेशन uh, होता है या फिर डेस्क होता है अगर वो अप्रोप्रिएट हाइट का हुआ तो हम प्रॉपर चेयर्स uh, में स्ट्रेट बैठ सकते या फिर हमारे चेयर्स बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए जो हमारे लोअर बैक को सपोर्ट कर सके जो हमारे थाइस को या हिप्स को पैडेड सीट के साथ कंफर्ट दे सके ऐसे हमारे वर्क uh, में चेयर्स होने चाहिए तो आर्गनोमिक्स के मदद से ऑर्गेनिक्स होते हैं कि आ, एक ह्यूमन और सिस्टम के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको समझने के लिए जो स्टडी होता है उसको ही हम ऑर्गनोमिक्स बोलते हैं लेकिन ये ऑर्गनोमिक्स हमको क्यों चाहिए होता है वाई वी नीड While working, वर्किंग ह्यूमन बॉडी स्ट्रेस्ड by वेरियस parameters सच एज ऑकवर्ड posture, एक्सट्रीम temperature, रिपीटेड मूवमेंट दिस ऑल कैन इफेक्ट इन टू ह्यूमन हेल्थ कैन लीड टू वेरियस मस्क्यूल डिसऑर्डर्स, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड प्रोमोट हेल्थ इट प्लेज मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट टू इंक्रीज द वर्क इफिशेंसी एंड प्रोडक्टिव तो हमें एगोनमिक्स क्यों चाहिए होता है जब भी कोई ह्यूमन काम करने बैठते हैं तो उसके बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं जैसे एक एक ही एक ही तरीके से पूरा दिन बैठे रहना या एक ही तरीके से पूरा दिन खड़े रहना या फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहे है हमारा तो ये सारे चीज़ें होते हैं ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो वर्क एक वर्क प्लेस में हमारा आ, हमारे बॉडी बॉडी में एक स्ट्रेस देते हैं एक बॉडी पार्ट्स में एक पेन पेन देते हैं तो दिस ऑल कैन इफेक्ट इन टू ह्यूमन हेल्थ एंड दिस ऑल कैन लीड टू तो मस्क्यूल कैर डिसऑर्डर्स सो so आर्गोनॉमिक्स हमको चाहिए होता है टू प्रिवेंट दिस ऑक्यूपेशनल डिजीजिज एंड टू प्रमोट हेल्थ एंड ऑल्सो दिस आर्गोनॉमिक्स प्लेज एन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट टू इंक्रीज द वर्क एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स अगर वर्कर्स ज़्यादा uh, उनकी तबीयत ठीक रहेगी तो उनको ज़्यादा काम काम कर, कर सकेंगे वो और अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उनकी वर्क एफिशिएंसी जितना बढ़ेगा तो उनका कंपनी या फिर वर्क प्लेस जहाँ भी वो काम करे उधर का प्रोडक्टिविटी भी अपने आप बढ़ने लगेगा तो आर्गनॉमिक्स हमको क्यों चाहिए क्योंकि हम हमारा वर्क हमको बहुत ज़्यादा पेन नहीं देना चाहिए बिकॉज़ वर्क शुडन हार्ड Two out of three adults experience neck pain at some time, with up to 23% having symptoms that last more than three months. One in three office workers have suffered sore wrist due to work. 60 to 80% of people report having back pain at some stage in life, and nearly सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द ऑफिस स्टाफ डबल देयर चांसेस ऑफ डीवीटी बाय नॉट हैविंग रेगुलर ब्रेक्स तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए ये आर्गनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्गनॉमिक कैसे एक ह्यूमन हेल्थ प्रमोट कर सकता है प्लस एक कंपनी या फिर एक वर्कप्लेस का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। तो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गनॉमिक्स देयर आर मेनली फाइव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनॉमिक्स दोज आर सेफ्टी कंफर्ट ईज ऑफ़ यूज प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक्स तो आर्गनॉमिक्स के पांच एस्पेक्ट्स होते हैं हमको याद रखना चाहिए कि आर्गनॉमिक्स ऐसे होना चाहिए कि क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए एग्नोमिक्स में पहला तो सेफ्टी जो भी ह्यूमन मशीन और ह्यूमन सिस्टम इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पे हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उधर सेफ्टी इज़ आवर मेन कंसर्न सेकेंडली होता है कम्फर्ट कि ह्यूमन बॉडी को थोड़ा कम्फर्ट एंड रिलैक्स्ड मिले ईज़ ऑफ़ यूज़ जो भी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम उसको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकें उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सके आसान तरीके से हैंडल कर सके प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस ताकि एर्गोनॉमिक्स यूज़ करके एक वर्कर की या फिर एक वर्कर वर्कप्लेस work की या फिर एक कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके या फिर वर्कर्स का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके एंड इट शुड बी एसरिकल सो नेक्स्ट विल बी वट आर द स्कोप ऑफ स्टडिंग आर्गोनॉमिक्स हम आर्गोनॉमिक्स पढ़ के क्या करेंगे हम आर्गोनॉमिक्स कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इन आवर रियल वर्ल्ड देर आर प्लेंटी ऑफ फील्ड्स वेर आर्गोनॉमिक्स कैन बी यूज इन अ वे टू प्रोवाइड अ बेटरमेंट ऑफ़ एनी वर्क प्लेस इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन टू मेक अ डिजाइन सक्सेसफुल बोथ इन हेल्थ एंड बिजनेस मैटर तो हम बहुत सारे फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं ताकि कोई भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपना डिज़ाइन सक्सेसफुल कर सके अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुली बना सके और बोथ द ह्यूमन हेल्थ एंड द बिजनेस मे बी बेनिफिटेड बाय आर्गनॉमिक्स स्कोप ऑफ आर्गनॉमिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ब्रॉड एस्पेक्ट्स हम इसको तीन तरीके से देख सकते हैं एक होता है डिज़ाइन ऑफ मैन मशीन सिस्टम सेकेंड होता है डिज़ाइन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस सिस्टम थर्ड होता है डिज़ाइन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट तो आर्गनेमिक्स हम तीन जगह पे काम में लगा सकते हैं वो क्या क्या है एक होता है कि मैन एंड मशीन जहाँ पे सिर्फ मैन और मशीन सिस्टम ही वर्क करते हैं इस को डिज़ाइन करने में हम लगा सकते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैन और मशीन एक से एक और एक से ज़्यादा मैन और ह्यूमन बींग्स और वर्कर्स इन्वॉल्व हो विथ वन और मोर मशीन्स डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स इसको हम बोलेंगे मैन मशीन सिस्टम इसको डिज़ाइन करने के लिए भी आर्गनमिक्स हम यूज़ कर सकते हैं इसका एग्ज़ाम्पल क्या होता है जैसे हम आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर्स पेपर्स जहाँ पर छपते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं उसको हम इसके एग्ज़ाम्पल में दे सकते हैं या फिर कोई आ, कोई वर्कर एक दीवार में एक होल ड्रिल कर रहे हैं या फिर कोई हैमर से आ, किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं इसी को इसको भी हम मैन मशीन सिस्टम बोल सकते हैं सेकेंड क्या होता है डिज़ाइन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस सिस्टम इसमें क्या क्या आता है अकोनॉमिक्स इसके इसमें भी अप्लाई एप्लीकेबल होता है जैसे कंज्यूमर गुड्स मतलब हम जो डेली यूज़ करते हैं लाइक टूथबर्स सोफा सेट डाइनिंग सेट्स किचन वेयर्स, हाउस होल्ड टेबल्स शूज शूज़ रैक शू रैक्स और समथिंग एक्सेट्रा और सेफ्टी थिंग्स और सेफ्टी गॉगल्स लाइक ग्लव्स क्रैश हेलमेट्स एक्सेट्रा ये सब भी हम ये सब में भी हम एर्गोनमिक्स uh, यूज करके डिज़ाइन uh, बना सकते हैं ताकि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस सिस्टम में भी ये अपना बेनिफिट uh, दे सके थर्ड क्या होता है डिज़ाइन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट ये तो हमने पहले भी बोला है कि कहीं कहीं भी कोई भी कंपनी हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो कोई भी इंडस्ट्री हो जब भी बनता है उसमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो आर्गोनोमिकली बना हो ताकि ह्यूमन एंड जो मशीन्स हो गए और ह्यूमन जो सिस्टम ह्यूमन सिस्टम इंटरेक्शन जो हो गए उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो ताकि कोई हेल्थ हजार्ड्स ना फैले प्रोडक्टिविटी uh, बढ़ सके वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके ताकि वर्कर्स अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें ना कि अपने हेल्थ या हेल्थ प्रॉब्लम्स पे अपना फोकस शिफ्ट कर करे तो डिज़ाइन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट में होता है कि कोई भी वर्क प्लेस या कोई भी वर्क स्टेशन या कंपनी डिज़ाइन करने में भी अगनोमिक्स यूज़ होते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि ह्यूमन ह्यूमन इंडियर कर सके इतना पोल्यूशन नॉइस हीटिंग वेंटिलेशन लाइटिंग्स फेंसिंग ये सब हम आ, ध्यान में रखते हुए अग्नोमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आर्गोनोमिक्स तीन चीज़ मेनली तीन ब्रॉड एस्पेक्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं मैन मशीन सिस्टम कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस सिस्टम एंड वर्किंग एनवायरनमेंट अब हम आते हैं नेक्स्ट uh, इसी चैप्टर के नेक्स्ट सब टॉपिक है यह सब टॉपिक है अबाउट एंथोपोमेट्री तो व्हाट इज़ एंथोपोमेट्री एंथोपोमेट्री हम हमें पता है कि हमारा बॉडी जो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वेट हाइट बॉडी फैट स्किन फुल थिकनेस हेड सर्कम्फरेंस वेट वेस्ट हिफ रेशियो इन सब Uh, measure karna. Uh, in subco measure karna ek body position measurement karna this is known as anthropometry. So anthropometry first developed in the 19th century as a method employed by physical anthrop anthropologists for the study of human variation and evolution in both living and extinct populations. तो एंटीबोमेटी फर्स्ट नाइन्टीन सेंचुरी में डेवलप हुए थे और ये ह्यूमन वेरिएशन एंड एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए मेनली डेवलप किए गए थे तो व्हाई इज़ इट नेसेसरी फॉर आर्गोनॉमिक्स व्हाई एंटीबोमेटी इज़ सो नेसेसरी टू आर्गोनॉमिक्स anthropometric plays an important role in industries where statistical data about the distribution of the body dimensions in the population are used to optim optimize products तो एर्गोनॉमिक्स में कैसे यूज़ हो सकते हैं एंथोबॉमेटिक इंडस्ट्रियल यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं ताकि एक आ, जो बॉडी डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके मदद से इन पॉपुलेशन उसके मदद से हम एक प्रोडक्ट बना सके जो उस बॉडी डायमेंशन उस पॉपुलेशन को फिट कर सके इसलिए एंथोबाटिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस रखते इन आर्गोनॉमिक्स, एंटीबायोटिक के बहुत सारे रोल्स होते हैं जैसे कि हम मेडिकल बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि हम कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वेट हाइट इन सब के बारे में हमको पहले आ, जानकारी दिया जाता है तो मेडिकल बैकग्राउंड में एंथोपोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सेकेंडली क्या होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एंथोपोमेट्री थर्ड है फॉरेंसिक एंथोपोमेट्री uh, जो क्रिमिनल्स होते हैं जो क्रिमिनल क्रिमिनोलॉजी uh, um, के फील्ड uh, में जो uh, यूज़ होते हैं उसको फॉरेंसिक एंथोपोमेटी बोलते हैं जो डेड बॉडी के एज एट द टाइम ऑफ डेथ एज सेक्स या फिर उसके स्टेचर के बारे में ये सब के बारे में जानकारी देने में या फिर उसके बॉडी टाइप क्या थे इसका हाइट क्या था उसके बारे में जानकारी देने में फॉरेंसिक एंथोपोमिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फोर्थ uh, होते हैं आर्गनोमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फिफ्थ क्लोदिंग्स डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा होते हैं uh, हमको सबको पता है कि क्लोदिंग में अगर हम बॉडी डायमेंशन के बारे में हमको पता नहीं होगा तो हम क्लोदिंग कैसे ड्रॉ कर सकते या फिर क्लोदिंग कैसे बना सकते है ना तो क्लोदिंग डिजाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एंथोपोमेट्री uh, ये uh, बहुत नया कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होते हैं जैसे फिजिकल एंथोपोमेटिक जो मेजरमेंट्स होते हैं ना जैसे बॉडी साइज हाइट और आर्म लेंथ और लेग लेंथ एक्सेट्रा इसको साइकोलॉजिस्ट असिस्ट करने लगते हैं इन एसोसिएशन ऑफ इन एसोसिएशन विथ अदर ह्यूमन मेजरमेंट्स लाइक इंक्लूडिंग साइट कलर साइट डिस्टेंस क्लैरिटी साइट और टच और सेंसिटिविटी पेन मूवमेंट मेमोरी और मेंटल फैटिंग इन सब के बेसिस पे और इन रिलेशनशिप विथ द बॉडी मेजरमेंट्स एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है दैट इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड लास्टली हम आर्किटेक्चर में भी एंट्रोबाटिक को यूज़ कर सकते हैं तो वाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंथोपोमेटिक इन ऑर्गोनॉमिक्स हमको ये पता तो चल गया कि एंथोपोमेटिक ऑर्गनॉमिक्स में क्यों चाहिए होता है लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस क्या होता है कि इंक्रीज एक्यूरेसी रिड्यूज फैटिक बेटर कम्फर्ट रिड्यूस चेंज ऑफ इंजरीज टाइम मैनेजमेंट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी तो जब भी एंथोपोमेटिक और आर्गनोमिक्स को हम मार्ज करते हैं तो बॉडी मेजरमेंट्स एंड आर्गोनोमिकली प्रूव जो डिज़ाइंस होते हैं उसको हम मार्ज करने लगे तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत जो प्रोडक्ट हम यूज जो प्रोडक्ट हम uh, रहे हैं उसमें इन एक्यूरेसी बढ़ जाता है जो फैटिक होने का चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है कंफर्टनेस बेटर हो जाता है इंजरीज होने का चांस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है विथ ऑर्गोनिक्स एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ किया जा सकता है तो हमने देख लिया कि अर्गनोमिक्स क्या होते हैं हमने क्या क्या देखा अर्गनोमिक्स क्या होते हैं और उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं स्कोप हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अर्गनॉमिक्स को इन रियल लाइफ एंड अर्गनॉमिक्स के साथ और भी जो सब टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं कि अर्गनॉमिक्स में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और उसमें से हमको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं तो हमने पहला जो इनकॉपोशन देखा आर्गनोमिक्स के साथ वो था एंथोपोमेट्री तो एंथोपोमेट्री और आर्गनॉमिक्स बहुत अच्छे से अगर मार्ज किया जाए तो हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिल सकते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ और वर्कप्लेस uh, और कंपनी uh, प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट uh, देता है तो हम नेक्स्ट देखते हैं एंथोपोमेट्रिक के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होता है वो क्या क्या होता है बस हमको हम हमें बस नाम नेम्स याद रखने हैं कि किसके लिए क्या क्या है एंथोपोमेट्रिक टूल्स क्या क्या होते हैं ठीक है थिक्ते? तो एंथोपोमेटिक टूल्स क्या क्या होते हैं पहले हम देखते हैं हाइट हम एंथोपोमेटिक मेजरमेंट्स में हम हाइट मेजर करते हैं हाइट मेजर करेंगे हम स्टेडियोमीटर्स से यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है हर हर इक्विपमेंट का हर इक्विपमेंट का हर टूल का तो जो लेंथ होता है लेंथ और बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स के बॉडी कुछ सेगमेंट्स के मेजरमेंट uh, हम कैसे ले सकते हैं एंथ्रोपोमीटर से हम वो मेजर कर सकते हैं नेक्स्ट आते हैं बायोकॉन्डाइल कैलिपर्स दिस मेड फॉर मेजरमेंट ऑफ़ द बोन डायमीटर कोई भी एक बोन uh, या हड्डी होते हैं ना उसका कितना डायमीटर होता है उसको मेजर करने के लिए बायोकॉन्डलर कैलिपर्स होते हैं फोर्थ आता है स्केल्स स्केल्स आर फॉर वेट मेजरमेंट्स ओके फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज स्किन फोल्ड कैलिपर्स स्किन फोल्ड कैलिबर्स इज़ फॉर द स्किन थिकनेस और सबक्यूटिनस फैट ये हमारे पेट के पास जो फैट होते हैं या फिर आर्म के पास जो फैट होते हैं हाथ में जो फ़ैट होते हैं उसको हम सबक्यूटनस फैट बोलते हैं और उसको मेजर करने के लिए हम ये स्किन फोल्ड कैलिपर्स यूज़ करते हैं ठीक है ओके okay. अब आ जाते हैं हम कि जब जब हमने बोला कि एंथोबोमेटिक हमारा यूज़ होता है बॉडी डायमेंशन मेजर करने के लिए और उस उस बॉडी डायमेंशन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं ताकि ह्यूमंस को ह्यूमन वर्क एफिशिएंसी को और भी ऑप्टिमाइज़ कर सके तो उसके लिए एक एंथोबॉमोटिक uh, मेजरमेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर ह्यूमन फिजिक होता है जहाँ uh, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं uh, ये

फर्स्ट एक्टोमॉर्फ सेकेंड इज मेसोमॉर्फ एंड थर्ड इज एंडोमॉर्फ सो एक्टोमॉर्फ क्या होता है एक्टोमर्फ होते हैं जिनके हिप्स uh, और क्लेविकल्स नैरो होते हैं जॉइंट्स रिंग रीड्स रीस्ट एंड एंकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनको उनको देखने से लगता है वो बहुत पतले दुबले पतले से है और उनको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वो जितना भी वो कितना भी खाए कोई कोई होता है ना कि बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी मोटा नहीं होते मसल गेन नहीं होता फैट गेन नहीं होते तो ये होते हैं एक्टोमॉर्फ टाइप के जिसके न, स्ट्रिंगी मसल बेल होते हैं लिम्स जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं लॉन्ग लिम्स होते हैं थिन बिल्ड ये बहुत पतले से दिखते हैं ठीक है सेकेंड टाइप होते हैं मेसोमॉर्फ मेसोमॉर्फ क्या होते हैं इनके क्लैविकल्स बहुत वाइड होते हैं ये नैरो वेस्ट वेस्ट बहुत नैरो होते हैं और जॉइंट्स बहुत पतले से होते हैं थिनर होते हैं एंड इसके मस जो बेली के मसल होते हैं बेली मसल्स होते हैं वो राउंड एंड लॉन्ग होते हैं और ये मेसोमॉर्फ वाले होते हैं कि ये कुछ भी खाएँ ये बहुत बहुत जल्दी इन इन को आ, फैट बहुत जल्दी लग जाता है ये बहुत जल्दी मोटा हो जाते हैं लेकिन पतला होने में इनको बहुत दिक्कत आती है ठीक है ये बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होते और इनको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है तो थर्ड टाइप होते हैं इंडोमॉर्फ इंडोमॉर्फ होते हैं ब्लॉकी इनके रिबकेज बहुत थिक होते हैं जॉइंट्स बहुत वाइड एंड थिकर होते हैं हिप्स बहुत वाइड होते हैं क्लेविकल्स भी बहुत ज़्यादा वाइड्स होते हैं एंड है, लिम्स बहुत शॉर्ट होते हैं और ये इनका शेप बहुत ओवल टाइप का होता है या राउंड टाइप का होता है बहुत मोटे से होते हैं ये कुछ भी ना खाए तो भी ये मोटे हो जाते हैं ऐसे लोग होते हैं ना जो कुछ भी नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे हो जाते हैं ये इनके बॉडी सोमाटो टाइप्स होते हैं जो एक्टोमॉर्फ मेसोमॉर्फ और इन तीनों में हम इनको टाइप्स बोल सकते हैं तो अब एक एक करके हम देख लेते हैं ये क्या क्या है तो एंडोमॉर्फ क्या है एंडोमॉर्फ होते हैं द डिग्री ऑफ एंडोमॉर्फी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ ट्राइसिप्स सब स्कैपुलर एंड सुपर इलियक स्किन फुल थिकनेसेस करेक्टेड फॉर हाइट एज एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैट इन द बॉडी द डिग्री ऑफ एंडोमॉर्फी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ ट्राइसिप्स सब्स्कैपुलर एंड सुपर इलियक स्किन फुल थिकनेस करेक्टेड फॉर हाइट एज एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैट इन द बॉडी तो इंडोमॉर्फ क्या होते हैं इंडोमॉर्फ जो होते हैं उनके बहुत बॉडी uh, बहुत राउंड शेपेड होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं बहुत गेंस मसल्स एंड फैट वेरी इजीली ये मसल और फैट बहुत ज़्यादा जल्दी गेन कर लेते हैं इज जनरली शॉर्ट एंड स्टॉकी, राउंड वाला फिजिक होता है इनका ओके फाइंड्स इट हार्ड टू लूज फैट एंड बहुत ही स्लो मेटाबॉलिज्म होते हैं ठीक है थिक्षा? और ये एंडोमॉर्फी कैसे द डिग्री ऑफ एंडोमॉर्फी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इनके ट्राइसेप सबस्कैपुलर और सुपर इलियक मेजरमेंट को लेके एंड स्किनफुल थिकनेस के साथ इसको करेक्ट करके विद द हाइट एज अ इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैट इन द बॉडी ठीक है हाइट के इरेस्पेक्टिव ऑफ हाइट हम ट्राइसेप सबस्कैपुलर एंड सुपर इलेक्स स्किनफुल थिकनेसेस को मेजर करते हैं इससे हम इंडोमोर्फी की डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है समझ गए तो एंडोमॉर्फी होते हैं सॉफ्ट एंड राउंड टाइप इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होते हैं मोटे होने के चांसेस बहुत इजीली होते हैं और पतले होने के चांस बहुत कम होते हैं ठीक है सेकेंड होता है एक्टोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ क्या हो कौन से होते हैं जैसे नेचुरली बहुत थिन होते हैं विथ लॉन्ग लिम्स कि इनके लिम्स बहुत लंबे होते हैं और बहुत पतले होते हैं ये दिखने में मिनिमल बॉडी फैट एंड लिटिल टू नो मसल बहुत मिनिमम इनके बॉडी में फैट्स होते हैं और बहुत ही कम मसल्स होते हैं हैव अ हार्ड टाइम टू गेनिंग वेट फास्ट मेटाबॉलिज्म अलाउिंग देम टू ईट लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड विदाउट गेनिंग वेट सो इनका क्या होता है जो मैंने पहले बोला ना कि इनको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं एंड जो भी ये लोग होते हैं बहुत सारे लोग हमारे सराउंडिंग्स होते हैं जो बहुत खाते हैं बोलते हैं कि हम बहुत खाते हैं लेकिन हमारा हम मोटे नहीं होते तो इनका मेटाबॉलिज़्म इतना फास्ट होता है कि ये बहुत खाते तो है लेकिन मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के कारण इनका वेट गेन कभी नहीं हो पाता तो लाइक द फिजिट एंड टेन टू नॉट टू बी एबल टू सीट स्टिल ये फिजिट की तरह होते हैं एंड मतलब बहुत ज़्यादा घूमते हैं बहुत ज़्यादा ये चुपचाप बैठ नहीं सकते एक जगह पे बहुत काम करते हैं बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक होते हैं ये लोग ठीक है तो ये होता है एक्टोमॉर्फ ectomorph. तो एक्टोमॉर्फी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम एक्टोमॉर्फी इज कैलकुलेटेड बाय ऑप्टेनिंग हाइट एंड मास मेजरमेंट्स एंड एसेसिंग द लेवल ऑफ लिनरिटी। तो एक्टोमॉर्फी हम कैसे कैलकुलेट करें हाइट एंड मास मेजरमेंट्स के एसेस कर, करने से ही इन द लेवल ऑफ द लिनरिटी हमको एक्टोमॉर्फिक uh, के डिग्री की डिग्री का मालूम पड़ता है ठीक तो है तो एंडोमॉर्फ होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं और जिनको वेट गेन वेट लॉस करने में बहुत तकलीफ़ होती है और एक्टोमॉर्फ होते हैं जो पतले से होते हैं और जो खाते बहुत है लेकिन मोटे नहीं होते और उनको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं एंडोमॉर्फिक जो लोग होते हैं उनको उनका मेटाबोलिज़म बहुत स्लो होते हैं और एक्टोमॉर्फिक के लिए मेटाबोलिज़म बहुत फास्ट होते हैं ये हो गया एक्टोमॉर्फ एंड डोमोफ में डिफरेंस ठीक है समझ गए? थर्ड हम देखते हैं अब हम देखते हैं मेसोमोफ मेसोमोफ में क्या होते हैं मेसोमोफ में होते हैं मेसोमॉफ में होते हैं इनके मेनली शोल्डर्स बहुत वाइड होते हैं हिप्स नैरो होते हैं स्मॉल जॉइंट्स होते हैं नेचुरल वी टेपर होते हैं मेसोमॉर्फी इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बोन डायमीटर एंड मसल सरकम्फ्रेंस ऑफ टू अपर एंड टू लोअर लिम्स करेक्टेड फॉर स्किन थिकनेसेस एंड कंपेयर्ड विद द इंडिविजुअल्स हाइट तो मेसोमॉर्फी वो लोग होते हैं जो ना कि बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं ठीक है इनका मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल रहते हैं लेकिन इनको भी बहुत कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो गेन करने का आ, बहुत जल्दी जल्दी ये लोग मसल या फैट गेन कर लेते हैं या फिर कुछ थोड़े थोड़ा डाइट की थोड़ा डाइट करेंगे थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत जल्दी जल जल जल्दी वेट लॉस भी करते हैं ये लोग ठीक है इनका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहता है और मेसोमारफी को हम कैलकुलेट कैसे करें कि बोन डायमीटर एंड मसल सरकम्फरेंस के थ्रू हम मेसोमॉर्फी को कैलकुलेट कर सकते हैं बोन डायमीटर एंड मसल सरकम्फरेंस ऑफ टू अपर्ड एंड टू लोअर लिम्स दो अपर के और दो लोअर लिम्स के मसल सरकेंस एंड बोन डायमीटर को हाइट के साथ कंपेयर करके इंडिविजुअल्स हाइट के साथ कंपेयर करके हम मिसोमॉर्फी कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारा हो गया एंटोबोमेटिक्स सोमाटो टाइप्स ये सोमाटो टाइप्स कितने कितने, आ, कितने प्रकार के हुए कितने प्रकार के हुए तीन प्रकार के हुए एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ ये हमने पढ़ लिया ठीक है कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ, बोल सकते कमेंट बॉक्स में दे सकते तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मैन एंड मशीन मैन एंड मशीन जो रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड सिस्टम जो रिलेशनशिप है इसको एनवायरनमेंट में कैसे हम बेनिफिट मिल रहा है या डिसएडवांटेजेस मिल रहा है लाइक मैन मशीन एंड आवर एन्वायरमेंट ये तीनों हमारे कैसे इंटर रिलेटेड है सो वॉट इज़ एनवायरमेंट एनवायरमेंट इज़ द कम्पलेक्स ऑफ फिज़िकल कैमिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स दैट एक्ट अपन एन ऑर्गेनिज़म और एकोलॉजिकल कम्यूनिटी एनवायरमेंट क्या होता है जो भी हमारे सराउंडिंग होते हैं जिसमें जो आ, हमारे सराउंडिंग में है जो भी फ़िज़िकल चीज़ें है जो भी कैमिकल चीज़ें है जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड ऑय और जो भी बायोटिक फैक्टर्स है जैसे कि जैसे कि बैक्टीरियल थिंग्स तो इन सबको बैक्टीरिया और वायरसेस इन ये जो सारे हमारे सराउंडिंग्स रहते हैं इसी को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं अब जो भी मैन एंड मशीन हो रहे हैं जो भी ह्यूमन एंड मशीन इंटरेक्शन हो रहा है वो तो एनवायरनमेंट के अंदर ही हो रहा है है ना तो ये ह्यूमन मशीन जो इंटरेक्शन है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एनवायरमेंट को भी इफेक्ट करता है ठीक है तो इन द प्रोडक्शन लॉजिस्टिक सिस्टम मैन मशीन एनवायरनमेंट इफेक्टिंग फैक्टर्स मेनली हैव जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जो भी मैंने बोला कि ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन जो भी हो रहा है ये एनवायरनमेंट के अंदर ही हो रहा है तो ये मैन मशीन एंड एनवायरनमेंट ये तीनों का जो इंटर रिलेशनशिप है ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है कुछ चीज़ों के द्वारा इफ़ेक्ट होता है वो क्या क्या चीज़ें होता है जैसे द माइक्रो क्ला -क्ला क्लाइमेट मॉड्यूल द माइक्रो क्लाइमेट मॉड्यूल लाइक एयर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एटमोसफेरिक प्रेशर ऑक्सीजन कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड स्मोक और एयर वेलोसिटी एक्सेट्रा द नॉइज़ मॉड्यूल रियल टाइम नॉइज़ और इंटीग्रेटेड नॉइज़

द्वारा अच्छा अगर कोई ह्यूमन ह्यूमन का बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो या हार्ट रेट ज्यादा ना हो या फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन नॉर्मल ना हो तो भी मैन uh, uh, तो भी मशीन और इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट एंड मशीन ये दोनों मैन और ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है या फिर आ, ये भी हो सकता है ये भी होता है कि इन्वायरमेंट कैसा है इन्वायरमेंट का जो हमारा सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कैसा है ह्यूमिडिटी कैसा है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कितना है कैसा कैसा है उधर का स्मोक या डर और वेलोसिटी ये सब कैसा है सराउंडिंग इसके ऊपर भी ये मैन एंड मशीन का वर्क बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तो हम देख सकते हैं कि ये मैन मशीन एंड एनवायरनमेंट ये तीनों अपने आप में इंटर रिलेटेड है लेकिन जब, जब भी काम करना है तो इनको एक साथ ही करना होता है अदरवाइज एक भी अगर एनवायरनमेंट का एक भी फैक्टर या फिर मैन या मशीन का कोई भी एक भी फैक्टर्स अगर सही ना रहे तो ये काम सही तरीके से नहीं होगा और दूसरों को लाइक और रिलेवेंस अलग uh, किसी और को ये इंजरी uh, कर इंजरी कर सकता है या फिर हर्ट कर सकता है या फिर uh, कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है है ना अच्छा तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं इन्वामेंट के बारे में हमको सबको पता ही है कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं ये दो दो तरीके से हो सकता है एक बायोटिक होता है एक अबायोटिक होता है बायोटिक का क्या क्या होता है जो बायोटिक में होता है आ, वो होता है जो एनिमल्स होते हैं या फिर बैक्टीरियल्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें से आता है बायोटिक जैसे बायोटिक्स में होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकॉम्पोजर एंड एबायोटिक में क्या क्या होते है बायोटिक में दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको क्लासीफाइड एक क्लाइमेटिक एक इटैफिक क्लाइमेटिक में आता है वाटर एंड एयर एंड इटैफिक में आता है लैंड और सॉयल ठीक है तो हम ऐसे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हमने आ, ये पढ़ा कि आर्गनॉमिक्स के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स में क्या क्या इंटर रिलेटेड हो सकता है आर्गनॉमिक्स के साथ जैसे एंथोपोमेट्री हो गया और मैन एंड मशीन एनवायरनमेंट ये दोनों हमने कर लिया अब हम चलते हैं कि एक जो फिज़िकल कॉस्ट ऑफ वर्क होता है उसके कितने फैक्टर्स होते हैं उसको क्या क्या इफ़ेक्ट करता है फिज़िकल कॉस्ट ऑफ़ वर्क मतलब क्या होता है फिज़िकल कॉस्ट ऑफ वर्क मतलब होता है कि जो वर्क मेजरमेंट होता है जो जो एक कंपनी से और एक मैनेजर सेट करके देते हैं जो वर्क वर्क प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है या फिर उसको कैसे इन दिस मैनर हम वर्कर्स के uh, थ्रू कैसे उस वर्क को वर्क uh, प्रेशर को uh, कैसे हम ले जा सके कि बोलती है मैं तो वर्क मेजरमेंट इज़ वाइडली यूज इन लॉगिंग इंडस्ट्री टू मेजर परफॉर्मेंस एंड टू सेट वर्क स्टैंडर्ड्स तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वर्क मेजरमेंट्स होते हैं ये लॉगिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं टू मेजर द पर पर्फॉर्मेंस ऑफ द वर्कर और द कंपनी एंड टू सेट सम सेट करने के लिए भी ये मेजरमेंट्स हम लेते हैं कुछ कंपनीज uh, में होते हैं कुछ कुछ चीज़ें जिनको हम मैनुअली हैंडल करते हैं अब ये मैनुअली हैंडल करने मैनुअल uh, हैंडलिंग क्या होता है मैनुअल हैंडलिंग मीन्स a range of activities which requires the use of force or effort manual handling handling kuch bhi ho sakta hai, like lifting लाइक पुलिंग लाइक पुशिंग या फिर uh, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे हम कुछ फोर्स करें या फिर कोई एफर्ट दे मनुअली हम अपने हाथों से कुछ एफर्ट दे रहे हैं या फिर कुछ हाथों से फोर्सफुली कर रहे हैं वो होता है मैनुअल हैंडलिंग तो ये मैनुअल हैंडलिंग कैसे हम आइनमीज़ के थ्रू और भी इजी कर सकते हैं इन अ वर्क प्लेस दैट विल आल्सो मैटर ठीक है वर्क मेजरमेंट्स इज़ अचीव बाय मेजरिंग द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर टू कैरी आउट अ टास्क तो वर्क मेजरमेंट कैसे अचीव uh, किया जा सकता है हमने वर्क मेजरमेंट जो सेट तो कर दिया लेकिन उसको अचीव कैसे कर सकते हैं उसको अचीव कर सकते हैं कि टू बाय मेजरिंग द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर टू कैरी आउट अ टास्क एक एक वर्कर हर एक वर्कर का फिजियोलॉजिकल जो कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होते हैं हर वर्कर का हर अलग अलग आ, स्ट्रेंथ होता है अलग अलग एफर्ट्स होते हैं तो हम हर किसी को एक ही डिपार्टमेंट में या फिर एक ही स्टैंडर्ड ऑफ वर्क में एक ही सेट ऑफ वर्क में नहीं देंगे हम हर किसी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क्स बनाएंगे ताकि अपना जो वर्क मेजरमेंट है वो अचीव हो सके आ, हर किसी का अलग अलग फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी मेंटेन करते हुए हम हर किसी को अलग अलग टास्क असाइन करेंगे ताकि हमारा वर्क मेजरमेंट अचीव हो सके ठीक है जनरली टू असाइन टास्क बेस्ट ऑन आइदर ऑफ द फॉलोइंग हम जनरली टास्क असाइन कैसे होता है वर्कलोड्स में भी सेट अकॉर्डिंग टू व्हाट द मैनेजमेंट में इम्पोज ऑन द वर्कफ़ोर्स वर्कलोड्स मैनेजमेंट के थ्रू इम्पोज होता है टू द वर्कर्स अदरवाइज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू एक वर्क लोड्स बेस्ट सेट हो जाता है टू द वर्कर्स और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स भी हम टास्क असाइन कर सकते हैं ठीक है ठीक है तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट सब टॉपिक पे आ जाते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा बॉडी मैकेनिक्स बॉडी मैकेनिक्स क्या होता है बॉडी मैकेनिक्स इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वे वी मूव लिफ्ट सिट स्लिप स्टैंड और वर्क इन आवर डेली लाइफ्स बॉडी मैकेनिक्स क्या होता है बॉडी मैकेनिक्स ऐसे होते हैं जैसे हम हम डेली लाइफ्स में कैसे सोते हैं कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं ऐस इसको हम बॉडी मैकेनिक्स बोलते हैं हम बॉडी के हर पार्ट्स को सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं या नहीं इसको हम बॉडी मैकेनिक्स बोलते हैं पोर बॉडी मैकेनिक्स में कॉज बैक प्रॉब्लम्स Humans invest one-third of the day in the workplace. Thus, it's necessary to improve the posture of the body that can avoid unnecessary injuries during work. So humans maximum time one-third of the uh, whole day. काम में ही बिता देते हैं इन इन आवर वर्क प्लेस वी वी यूज़ टू स्पेंड वन थर्ड ऑफ आवर डे सो इससे बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम काम वर्क प्लेस में भी हम अपना पोश्चर हम अपना पोश्चर जो होता है वो मेंटेन करें ताकि हम सही तरीके से बैठे एक कंफर्टेबल चेयर से एक कंफर्टेबल चेयर पे सिर्फ़ रिलैक्स करना ही सही नहीं होता है बस उसको बस आपको सही तरीके से बैठना भी पड़ता है सही तरीके से चलना भी पड़ता है ताकि आपका जो पोश्चर होता है पोश्चर होता है जो आपका बॉडी मैकेनिक्स होता है वो ठीक से काम कर से सके और ताकि आपका पोस्चर जो है वो बेटर हो सके जो जितना भी पोअर आपका बॉडी होगा वो आपके लोअर बैक पेन या आ, नेक पेन या फिर आ, 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 स्पाइन में कोई प्रॉब्लम्स ये सब स्पाइन डिसऑर्डर्स ये सब बहुत कॉमन कौ, हो जाता है विथ पोअर बॉडी मैकेनिक्स ठीक है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू

ठीक तरीके से रख पाएंगे अगर आपको एक टूटा फूटा -तूटा स्टूल दिया जाए बैठने के लिए आपके वर्क प्लेस पर तो आप ज़्यादा देर सही तरीके से बैठ नहीं पाएंगे थोड़ी देर बाद आपका स्पाइन जो है थोड़ा सा आर्च होते जाएगा साम साम आप सामने की तरह ज़्यादा बेंट होते जाएंगे तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो इंटरप्ट होता रहेगा तो जो जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनमिकली इंप्रूव्ड आपका वर्क प्लेस होगा आपका बॉडी मेकेनिक्स भी उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा और जितना ज्यादा बॉडी मैकेनिक्स इंप्रूव होगा आपके डिसऑर्डर्स या फिर कोई भी नेक पेन या फिर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होने से आप खुद को रोक पाएंगे ठीक है तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द बॉडी मैकेनिक्स हम देख लेते कि हम इस हम बॉडी मैकेनिक्स किसको बोल रहे हैं लाइक पोश्चर हमारा पोश्चर कैसा होना चाहिए क्रिएटिंग अ स्मॉल हेलो इन आवर लोअर बैक बाय टकिंग द टेल बोन इन एंड टिल्टिंग द पेल्विक बोन स्लाइटली फॉरवर्ड यहाँ पर जो पिक्चर्स दिया है जो राइट right साइड में मैंने पिक्चर दिया है देखिए वहाँ पे जो आप जितना अपने आप को सीधा रख के रखेंगे आपका पोश्चर उतना ज़्यादा सही होगा जैसे आपका लोअर बैक थोड़ा थोड़ा लोअर बैक आपका सीधा होना चाहिए ताकि आप, आपका जो स्पाइन का जो लास्ट जो टेल बोन होता है वो एकदम पेल्विक की तरफ थोड़ा सा आ, पेल्विक बोन की तरफ स्लाइटली फॉरवर्ड हो जाए और टिल्टेड हो जाए ताकि आपका जो ओवरऑल स्पाइन है ओवरऑल जो पोस्चर है वो आपका बिल्कुल स्टैंड एंड स्टिल होना चाहिए बहुत बहुत ज़्यादा गुड पोस्चर होता है ये ताकि आपका स्पाइन में भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े ठीक है और जो मैंने दूसरा पिक्चर दिया है वो है बाई ऑफ वॉकिंग ठीक है जब चलना है हम हमें सबका हम सबको पता है कि जब चलना है तब कैसे चलना होता है ऐसे बॉडी को सीधा रख के गुड पोस्चर मेंटेन करके आप चलेंगे तो आपका जो पेल्विक होता है जो स्पाइन होता है वो अकॉर्डिंगली काम करेगा तो आपका स्पाइन भी एक्सरसाइज होगा और पेल्विक बोन्स भी आपका एक्सरसाइज होगा सो so, आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हो पाएगा ठीक है सेकेंड हम देखते हैं स्टैंडिंग ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोस्चर शुड बी स्ट्रेट एंड फिट शुड बी पैरल टू अ फॉर्म एंड लेवल फ्लोर चेंज ऑफ स्टैंडिंग पोजिशन मोर ऑफ हेल्प्स टू रिलीव द स्ट्रेस ओवर स्पाइन तो हमें आ, हम कभी कहीं देखते हैं किसी किसी को कि जब स्टैंडिंग पोजीशन में है तो बहुत ज़्यादा लूज हो के या फिर बहुत ज़्यादा बेंड हो के खड़ा है या फिर कहीं पे हाथ दे के ऐसे बेंड होके खड़ा है लेकिन दैट इज़ नॉट अ गुड पोस्चर ऑफ़ स्टैंडिंग यू हैव टू स्टैंड इन अ गुड पोस्चर इन अ स्ट्रेट मैनर ताकि और आपकी फीट जो है बहुत ही फर्म ऑन लेवल फ्लोर फ्लोर पे सॉरी <coughs> <sorry. coughs> आपका फीट जो है बहुत फॉर्म एंड Level Floor B स्ट्रेट और फ्लोर के अकॉर्डिंगली पैरेलल होना चाहिए और एक ही तरीके से आप हाँ पूरा दिन खड़ा रहेंगे तो आपके स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो तो कभी कभी उठ के आपको थोड़ा टहल लेना आप थोड़ा चल लेंगे इधर उधर थोड़ा एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लेंगे हैंड्स को स्ट्रेच कर लेंगे अगर स्पाइन को स्ट्रेच कर लेंगे तो आपके स्पाइन स्ट्रेस में स्ट्रेसेस और रिलीफ कम और स्ट्रेस कम होगा और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सिटिंग प्लेसिंग द बटक्स एट द बैक ऑफ द सीट फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर नीज बेंट एट नाइंटी डिग्री ठीक है तो ये हम देखते हैं कि कैसे बैठते हैं हम सबसे ज्यादा शायद ही बहुत ही बैड पोशर से अगर कहीं पे यूज़ करते हैं तो वो होता है सीटिंग पोस्चर हमारा सीटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा ही खराब होता है क्योंकि हम कैसे भी बैठ जाते हैं जैसे जैसे पिक्चर में बैठे हुए हैं ना ऐसे बेंड हो के आ, के पास आंखें ले जाके तो हाथ भी आ, बहुत ज़्यादा बेंड हो जाते हैं आर्म्स या फिर एल्बो या फिर नी ये सब बहुत ज़्यादा बेंड हो जाते हैं तो इधर भी बहुत प्रॉब्लम्स होने लगता है तो अगर जब भी आपको जब भी आप बैठे तो ये ध्यान में रखें कि आपका पोश्चर सीधा रहे आपका लोअर बैक जो है वो चेयर के थ्रू बहुत सपोर्टेड हो ठीक है और आपका नी जो होता है नाइन्टी डिग्री में हो फीट पैरलेल टू द फ्लोर और फीट एकदम फ्लैट होना चाहिए टू द फ्लोर एंड आपका जो पोचर होना चाहिए बहुत स्ट्रेट होना चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा पास आ, का आपके डेस्क से बहुत ज़्यादा पास या फिर आपके डेस्क से बहुत ज़्यादा दूर ताकि आपके हैंड्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े ठीक है अब देखते हैं स्लीपिंग पोजीशन तो स्लीपिंग पोजीशन में सबसे आ, अच्छा स्लीपिंग पोजीशन होता है साइड वाला पोजीशन और बैक वाला पोजीशन ठीक है तो इन इन पोजीशन में सबसे ज़्यादा अच्छा आ, रहता है आप अगर साइड वाले पोजीशन में या बैक वाले पोजीशन में सोए तो लेकिन साइड वाले पोजीशन में सोए या बैक वाले पोजीशन में सोए आपको सोना चाहिए एक फर्म मैट्रेस में ठीक है और एक ओवरसाइज पिलो अवॉइड करना चाहिए नहीं तो आपका जो ओवरसाइज पिलो होगा ना जैसे इस पिक्चर में दिखाया है तो आप अगर ओवरसाइज पिलो से अपने हेड को टिल करेंगे तो आपका जो स्पाइन होता है बहुत ज़्यादा और स्पाइन जो बैक होता है वो बहुत ज़्यादा आर्च हो जाता है तो जब जितना आपका स्पाइन आर्च होगा उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस पड़ेगा तो ये होता है आ, कुछ आ, कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी मैकेनिक्स और एक है लिफ्टिंग हम पढ़ लेते हैं लिफ्टिंग में हम क्या करते हैं हम आ, बैक से हम अपने कमर से आ, बेंड होते हैं लेकिन इसमें हमारे कमर को बहुत ज़्यादा या फिर स्पाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ते हैं तो हमें बैक से या स्पाइन से बेंड नहीं होना है हमें नी से बेंड होना है हमें जो जो भी हमारा लोड है वो हमारे फ्रंट में रखना है और हमारे नी से हमें बेंड हो के लंच पोजिशन में आके फिर उसको उठाना है ताकि आप आपके बैक में ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े और आपको उठाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो ठीक है ठीक है तो ये हो गया हमारा बॉडी मैकेनिक्स नेक्स्ट हमारे आते हैं फंक्शनल डिजाइन ऑफ वर्क प्लेस ये क्या होता है ये क्या है हम पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाती हूँ आप लोगों को अ स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट विल बी एबल टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द वर्क प्लेस डिजाइन एंड द ह्यूमन फिजिकल डिमांड तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है एंड उसके साथ जो हमारा ह्यूमन बॉडी का इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए तो यह जो होता है वर्क प्लेस का डिज़ाइन हम कैसे करें एक फंक्शनल डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी और द सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है जो एक दूसरे के साथ काम करता है एक दूसरे के साथ मर्ज करके हम काम करते हैं तो इसमें एक बैलेंस तभी आ सकते तभी हम ला सकते हैं जब एक वर्क प्लेस डिज़ाइन एंड एक ह्यूमन फिजिकल डिमांड इन दोनों को हम बैलेंस तरीके से रखें जो है एक ह्यूमन फिजिकल एक जो ह्यूमन फिजिक का डिमांड हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क प्लेस डिज़ाइन कि दैट विल बी अ फंक्शनल डिज़ाइन एट वर्क प्लेस द वर्क प्लेस डिज़ाइन शुड एम टू प्रोपेगेट इन इंट्यूशन टीम वर्क एंड मोर इम्पॉर्टेंटली प्रोवाइड अ सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरमेंट द वर्क प्लेस डिज़ाइन फंक्शनल कैसे होगा जब उसमें एक टीम वर्क होगा इंट्यूशन होगा एंड सबसे ज़्यादा सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे तभी हम एक वर्कप्लेस को फंक्शनल डिज़ाइन बोल सकते हैं डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद द वर्क प्लेस आर रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज ट्रेन ऑन आईज हेड एक्स बैक एक्स नै नेक पेन कर्पल टनल सिंड्रोम ऑल्सो एम एस डीज सो अगर हम एक वर्क प्लेस को फंक्शनल तरीके से नहीं बना पा रहे है एक फंक्शनल डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो कुछ डिसऑर्डर्स एसोसिएशन होते हैं जो हम देखते हैं कि वर्क प्लेस से रिलेटेड है जो वर्क प्लेस में ही डेवलप होते हैं जैसे कि रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज एमएसडीज स्ट्रेंस ऑन आईज हेड एक्स नेक पेन्स एक्सेट्रा वर्क प्लेस डिज़ाइन शुड एम एट डिज़ाइनिंग टू फिट द ह्यूमन नीड रैदर दैन फोर्सिंग पीपल टू फिट इन टू द डिज़ाइन तो हम एक वर्क प्लेस को फंक्शनल कैसे बना सकते हैं ताकि एक ह्यूमन बॉडी अपने सराउंडिंग्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके एक फंक्शनल डिज़ाइन तब होगा जब वर्कप्लेस में सेफ्टी कंफर्टेबल टीम वर्क इंट्यूशन प्रोपेगेट एकदम प्रोपोर्शनली होगा बैलेंस्ड वेते रहेगा और क्या कर सकते हैं हम वर्क प्लेस को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे ह्यूमंस को चाहिए एक ह्यूमन नीड ह्यूमन बॉडी को चाहिए या फिर वर्कर्स को एक वर्कर्स को ए, वर्कर्स को काम करने के लिए जैसे इन्वामेंट की ज़रूरत है हम वैसा अगर वर्क प्लेस डिज़ाइन करेंगे राधर देन हमने कुछ भी डिज़ाइन कर दिया और ह्यूमस को बोला कि उसमें एडजस्ट कर लो इन दोनों में से सब सबसे ज़्यादा कन्वीनियन और कंफर्टेबल होगा और एक फंक्शनल होगा आ, कौन सा जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग हम आ, एक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ वर्क प्लेस ठीक है तो हम तब जाके एक फंक्शनल डिज़ाइन बना सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी टाइम एंड मोशन स्टडी अर्गोनॉमिक्स में हम कैसे हमारा इंटर रिलेटेड हो रहा है टाइम स्टडी वॉज डेवलप्ड इन द पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वर्ड्स इन बिटवीन द टू वर्ल्ड वर्ड्स बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर मोशन स्टडी वॉज डेवलप्ड बाई फ्रेंक बी गिलवर्थ एंड लिलियन एम गिलवर्थ Motion study was developed. Time study was developed in the period between the two world wars by Frederick W. Taylor. And motion study was developed by Frank B. Gilbreth and Lillian M. Gilbreth. Motion study helped improve working conditions by eliminating the causes of MSDs. And the time study includes better productivity and product quality. Okay. Accompanied by works simplification, combinations of two studies helps in setting time standards along with a uh, wage incentive system to motivate the workers. तो टाइम एंड मोशन स्टडी क्या होता है अलग अलग होते हैं पहले तो ये दोनों अलग अलग डेवलप हुए थे और मोशन स्टडी में हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं मोशन स्टडी हेल्प्स टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ताकि एम को एलिमिनेट कर सकें और वर्किंग कंडीशन को बढ़ा सके एंड टाइम स्टडी इंक्लूड्स बेटर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी अगर हम टाइम एंड मोशन स्टडी इन दोनों को एक साथ वर्क सिम्प्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर यूज़ करना चाहे तो कैसे करेंगे एक टाइम स्टैंडर्ड सेट करेंगे वर्कर्स के लिए और उनको बोल सकते हैं कि इसके ऊपर अगर इन टाइम इस टाइम के अंदर ये काम हो जाएगा तो आपको एक इंसेंटिव्स मिलेगा आपको थोड़ा आ, क्या इंक्रीमेंट मिल सकता है या इंसेंटिवस मिल सकता है तो फिर ये होता है मोटिवेशन एक वर्कर की एक मोटिवेशन कर सकते मोटिवेट कर सकता है वर्कर्स को ताकि वो ये टाइम स्टडी और मोशन स्टडी इन दोनों को मिला के ये एक आ, हम वर्क सिंप्लीफिकेशन को अकॉमनेट कर सकते हैं ताकि वर्कर्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और इसमें आ, आ, मतलब टाइम स्टैंडर्ड सेट किया जाए और आ, इंसेंटिव सिस्टम भी ऐड किया जाए तो वर्कर्स बहुत ही फोकसली और कॉन्सेंट्रेट के साथ आ, अपना काम पूरा कर सकते हैं ठीक है तो टाइम एंड मोशन स्टडी इंक्लूड्स इन द दर्गनॉमिक्स इन दिस वे एंड लास्टली एनर्जी स्टडी आर्गोनॉमिक स्टडी रिवील्स दैट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन वर्कर्स अंडर गोइंग लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज टू इनक्रीज दिस स्टडी इज पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग कंफर्ट एंड रिड्यूसिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्कर्स तो आर्गनॉमिक के अंदर एनर्जी स्टडी कैसे इंक्लूड किया जा सकता है सॉरी एनर्जी स्टडी और आर्गनॉमिक्स ऐसे मार्ज करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि वर्कर को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी और हम जितना आर्गोनमिकली इम्प्रूव्ड एक चीज़ बनाएंगे तो फिर उनको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा और उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होगा तो एनर्जी स्टडी को हम आर्गनॉमिक्स में ऐसे इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि वर्कर्स को एनर्जी रिक्वायरमेंट्स uh, भी कम मिल एनर्जी uh, एक्सपेंडिचर जो है उनका वो कम हो जाए और उनका कंफर्ट भी मिले ठीक है एनर्जी रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं हमें हम, हम सबको पता है कि एनर्जी बहुत सारे रिसोर्स के होते हैं जैसे विंड एनर्जी सोलर एनर्जी एनर्जी हाइड्रो पावर टाइटल एंड वेव पावर एंड जियोथर्मल एनर्जी के बस कितने टाइप्स के होते हैं इतना, इतना ही याद रखिए इतना ही आप इस स्लाइड के लिए काफ़ी होगा तो एनर्जी स्टडी हमारा ऐसे अर्गनॉमिक्स में इंक्लूड होता है ठीक है तो इसी के साथ मेरा अर्गनॉमिक्स का क्लास ख़त्म होता है या अर्गनॉमिक्स का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है कोई भी कहीं पे भी, भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कमेंट सेक्शन सक्ष्म, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ठीक है थैंक यू